एस्केप ऑफ द सेवन के सारे एक्टर्स आजकल हेडलाइंस में हैं, अपने रियल लाइफ लव कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर। फिर चाहे वो पॉपुलर के पॉप आइडल को डेट करना हो या पब्लिकली अपनी शादी के फैसले को रिग्रेट करने जैसा स्टेटमेंट देना हो। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस लियो बी, जो कि 32 इयर्स की हैं और ड्रामा में हान मो नी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। लियो बी ने बहुत सारे पॉपुलर ड्रामास में काम किया है, जैसे यूमी सेल्स, पिनोकियो, पेंट हाउस और बहुत सारे। लेकिन एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ क्या आपको पता है कि यो बी एक रॉयल फैमिली का हिस्सा है? जी हाँ, यो बी हुआंगन क्योन क्लोन के फैमिली से है, मतलब कि वो डायरेक्टली कोरिया के पहले किंग हुबेक जी किंगडम के राजा ग्योन हुआन की डिसेंडेंट है। योबी ने अपनी एजुकेशन इहुआ वुमेन्स यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और इतने सब होने के बाद योबी की कंट्रोवर्सीज ने उन्हें सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में लाया, क्योंकि जिन्हें वो डेट कर रही थी वो कोई और नहीं, हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक थे। इसी साल फरवरी में रिपोर्टर ली जिन हो ने अपनी वीडियो में कहा कि उन्होंने कंफर्म करने के बाद ये बात पब्लिक करने का फैसला लिया है कि जेके और यो भी 2021 से डेट कर रहे हैं और मई 2022 तक साथ थे। रिपोर्टर जिन्हो ने कहा कि वो पिछले दो साल से इनके रिश्ते पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उनके हिसाब से जेके और यो भी एक आर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू मिले थे जिसका नाम था कुमुडा। यो भी इस आर्ट कॉरपोरेशन की सेट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी और जेके ने इस आर्ट कॉरपोरेशन में कई बार डोनेशन किए थे। रिपोर्टर ने यह भी कहा कि जेके ने योबी को एक शनेल का लग्जरी बैग भी गिफ्ट किया था और दोनों को मैचिंग ब्रेसलेट्स भी पहने हुए देखा गया जब वो दोनों डेट कर रहे थे। रिपोर्टर ने एक और प्रूफ दिया कि जेके के भाई और योबी की बहन सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन इन सब रूमर्स के बाद भी योबी की एजेंसी ने इन सारी बातों को डिनाई किया और कहा कि ये सब फालतू के रूमर्स है, योबी और जेके कभी नहीं मिले और बीटीएस के मेंबर्स में से योबी सिर्फ शुगा को जानती थी और वो भी बहुत टाइम पहले, और हमें ये भी नहीं पता कि अभी वो दोनों टच में है या नहीं। तो अभी के लिए तो यही लगता है कि यो भी सिंगल है। सेकेंड एक्ट्रेस है हुआंग जंग योन, जो कि एस्केप ऑफ द सेवन में काम कर रही है और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुकी है। जंग योन 38 इयर्स की है, लेकिन इन्होंने अपना करियर 2001 से स्टार्ट किया था एक आइडल के तौर पर। केपॉप ग्रुप शुगर के मेंबर थी, लेकिन 2004 में उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया था ताकि वो अपने सोलो करियर पर ज़्यादा फोकस कर सके। लेकिन तभी एक रूमर ये भी था कि जंगयोंग ने ये ग्रुप इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनकी अपने ग्रुप मेंबर आयुमी से बनती नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो ग्रुप का नाम आयुमी एंड द किड्स रखने वाले थे, जिससे उनको बुरा लगा। आयुमी ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी और कई सालों के बाद आयुमी ने कहा कि हाँ, उनकी नहीं बनती थी, लेकिन उनके पास इतना काम था क्योंकि वो मेन लीड थी तो इन सब के लिए टाइम नहीं था। जंगयुम का आइडल के रूप में करियर इतना कोई खास नहीं था, लेकिन उनके रिलेशनशिप्स को लेकर भी खूब बातें बनी। 2008 में वो एक म्यूजिशियन किम योंगजुन को डेट कर रही थी और वो एक पॉपुलर टीवी शो वी गॉट मैरिड में भी एज ए कपल साथ नजर आए थे, लेकिन इसके बाद भी वो चर्चा में रही क्योंकि 9 इयर्स तक वो दोनों बार बार ब्रेकअप करते रहे और फिर से एक साथ नजर आते रहे और फाइनली मई 2015 में दोनों ने लास्ट ब्रेकअप कर ही लिया। लेकिन जंगयुम को दोबारा रिलेशनशिप में आने में कुछ खास वक्त नहीं लगा। दिसंबर 2015 में वो ली योंग डॉन को पब्लिकली डेट करने लगी। ली योंग एक बिजनेसमैन थे और फिलहाल वो अपने गोल्फ करियर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को शौक तब लगा जब सिर्फ 6 मंथ्स डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन फिर दोनों ने कहा कि वो 10 मंथ से डेट कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी।
फिर फरवरी 2017 में जंगयुम ने अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया और एक बेबी बॉय को जन्म दिया। लेकिन 3 साल बाद सितंबर 2020 में जंगयुम ने डिवोर्स फाइल कर दिया। मीडिया में ये बातें चल ही रही थी कि 1 साल बाद 2021 में जंगयुम ने डिवोर्स वापस ले लिया और अपने पति के साथ वापस रहने लगी क्योंकि वो दोबारा से प्रेग्नेंट थी। अक्टूबर 22, 2023 में जंगयुम ने माई लिटिल ओल्ड बॉय के इंटरव्यू में दिखी और मीडिया के पूछने पर जंगयुम ने कहा कि उन्होंने अपने हस्बैंड को 10 मंथ्स तक डेट करने के बाद ये फैसला किया कि वो शादी करेंगी, लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर प्यार का बहुत सवार था और मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मुझे वो पहले जैसे हैंडसम नहीं लगते और ना ही मेरा दिल उसके लिए धड़कता है। उन्होंने ये भी कहा कि शादी करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीडिया के सामने इतना बड़ा स्टेटमेंट देना ही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन जंगयुम ने कहा कि जब उन्होंने डिवोर्स फाइल किया तो उनके पेरेंट्स भी उनके हस्बैंड की साइड ले रहे थे और सिर्फ उनके हस्बैंड को लेकर ही चिंतित थे। थोड़ी देर बाद जंगयुम ने कहा कि वो दोबारा अपने हस्बैंड के साथ हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग्स बची हैं। अब पता नहीं जंगयुम आगे और क्या फैसला लेती हैं और क्या नई कॉन्ट्रोवर्सीज बनती हैं।